हेलो फ्रेंड, अरविंद कुमार मैं बोल रहा हूँ। और मैंने आपसे बाद में बताया था कि जो है पहले कि हमारा जो है मेंटरिंग प्लस मॉक टेस्ट होता है, और मेंटरिंग जो होता है सीए सीए सीएमए सबके लिए होता है। और सीए में चाहे कोई भी लेवल हो, सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल सबका होता है मेंटरिंग, और फिर मॉक टेस्ट भी होता है। और ये होता है हमारा लाइव, चाहे आपका आपका लाइव होता है, आपका सामने सामने भी होता है फिजिकल में, और हमारा ऑनलाइन भी होता है। तो एक स्टूडेंट हैं आपके मुंबई के, तो मैं उनसे बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने क्या जो भी टारगेट दिया था, ठीक है, तो उसमें से कितना अचीव किया हुआ है उन्होंने। तो ये टारगेट मैंने कल दिया था उनको, और आपके सामने मैं उनको कॉल लगाता हूँ और पूछता हूँ कि उनकी तैयारी कैसी है, और जो भी जो है उनको गाइड करना है उनके जवाब के हिसाब से मैं गाइड करूंगा। देखिए, मैं आपके सामने ही उनको कॉल लगाता हूँ। देखिए, और अभी रिजल्ट आने ही वाला है, तो रिजल्ट आई होप कि देखो कैसा रिजल्ट जाता है, क्योंकि तो पहले से ही रिजल्ट के बारे में बोलना कि क्या होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो आईसीआई को ही मालूम है और जो है वो कितना रिजल्ट देगी। लेकिन आई होप कि थोड़ा सा अच्छा ही देगी वो, अब देखते हैं क्या होता है। हेलो हेलो, हाँ चलिए बताइए मुझे कि आपका डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंड द कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर सर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कैलेंडर ब्रिटिश कैलेंडर ईयर को कैलेंडर ईयर के कैलेंडर क्या मतलब, कब से स्टार्ट, कब से होता है? कैलेंडर 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2000 31 दिसंबर। ठीक है, सही है सही है सही है। अब बताइए मीनिंग ऑफ सर्विस बाई पोस्ट में, बताइए क्या इसका क्या मीनिंग है, चलिए बताइए। एज पर जनरल क्लॉज एक्ट, ठीक है, ओके मीनिंग ऑफ सर्विस बाई पोस्ट इसका मतलब बताइए। ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं एग्जाम में। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। हाँ सर्विस बाय पोस्ट सर नहीं आ रही है। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट अच्छा, चलिए मैं इसको समझा दूं मैं आपको। देखिए, थोड़ा सा लिख देता हूँ 2 मिनट। हाँ सर इसमें जो मीनिंग है ना, ऑफ हाँ सर्विस बाय पोस्ट, ठीक है। देखिए इसमें जो सर्विस है ना, सर्विस वर्ड, इसका मतलब होता है कि रिसिप्ट, ठीक है, हाँ तो मीनिंग ऑफ पोस्ट, सर्विस बाय पोस्ट। हाँ। और पोस्ट तो मतलब होता है पोस्ट, आपके जो है जो लेटर आप जो किसी को सेंड कर रहे हो ना, तो फिर वो पोस्ट की बात कर रहा है। तो देखिए अब ये बोल रहा है कि एज पर जनरल क्लॉज एक्ट हम कब मानेंगे कि पोस्ट के थ्रू जो है ना लेटर जो है वो पहुंच गया है उसके पास, या फिर उसने रिसिप्ट कर लिया है। तो फिर ये सेक्शन 27 है जनरल क्लॉज एक्ट का, तो उसमें ये लिखा हुआ है ना कि वेयर एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशंस, ठीक है, वो अगर रिक्वायर कर रहा है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि पोस्ट के थ्रू रिसीव होगा, सर्विस बाय पोस्ट होगा, तो फिर उस केस में ये लिखा हुआ कि देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, जब तक कि डिफरेंस और डिफरेंट जो इंटेंशन है वो आपका अपीयर नहीं होता, तो फिर जो सर्विस है ना ये पोस्ट का हम कब मानेंगे, डीम्ड टू बी इफेक्टेड हम कब मानेंगे, अगर ये जो है ना जो आपने पोस्ट से भेजा हुआ है जो, ये प्रॉपरली एड्रेसिंग होगा, ठीक है। एड्रेस मतलब जो भी आप लेटर भेज रहे हो ना, लेटर के ऊपर एड्रेस लिखा होगा ना, टू टू यस आज जिसको भेज रहे हो उसका तो नाम लिखोगे ना, किसको भेज रहे होगा, तो ये प्रॉपरली आपका क्या होगा, एड्रेस उसमें लिखा हो, एड्रेसिंग हो। दूसरा प्री पेइंग हो, तो आपको ही पता है कि कोई भी पोस्ट अगर भेजते हो तो वो उस पर स्टैंप लगानी होती है ना, चाहे पोस्टेज स्टैंप हो चाहे, या फिर पहले से ही अगर आपने पेमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो फिर वो वाला, इसका यस मतलब प्री पेइंग होगा। थर्ड क्या है, पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, आपको जो पोस्ट है ना वो रजिस्टर्ड नॉर्मल नेम ऑफ पोस्ट गिवन नहीं है, इसमें क्या है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना है आपको, ये तीन चीज होना चाहिए। और इसमें ये बोल रहा है कि अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, अगर किसी लॉ में लिखा हुआ है ना, मान लीजिए किसी सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का जो लेटर है ना वो सिंपल पोस्ट से जाएगा,
तो फिर उस केस में सिंपल पोस्ट से ही जाएगा फिर वो फिर ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब वो फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू नहीं जाएगा फिर वो, आ गया समझ में? अब लिखा हुआ है ना कि जब तक कि डिफरेंट इंटेंशन वो अपीयर्स नहीं होता, अगर वो डिफरेंट इंटेंशन अपीयर हो तो फिर तो उसी इंटेंशन जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंट इंटेंशन नहीं है तो इसका मतलब वो किस तरह से होगा? तीन चीजें हैं, प्रॉपरली एड्रेसिंग, प्रीपेइंग एंड द पोस्टिंग बाय द, क्या है पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, आगे समझ रजिस्टर्ड पोस्ट, हाँ ये चीज है। और इसमें ये लिखा हुआ है, साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अ लेटर कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट टू हैव बीन इफेक्टेड एट द टाइम एट विच द लेटर वुड बी डिलीवर्ड, ठीक है, इन द नहीं नहीं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, पोस्टिंग जैसे होता है नॉर्मली जैसे पोस्टिंग होती है ना वैसे ही होगा, मतलब अगर मान लो किसी पोस्ट में 3 दिन लगते तो फिर आपके 3 दिन ही लगेगा, आपको आ रहा है समझ में? जैसे नॉर्मल जो केस है आपको वही केस लगेगा, मतलब जो नॉर्मल केस है आपको जो रजिस्टर्ड पोस्ट में इतना टाइम लगता है जाने में उतना ही टाइम लगेगा, फिर वो बोल रहा है ये चीज आगे समझ में? ये नहीं नहीं कोई नहीं, अगर कुछ भी याद आए तो मुझे जो है बता दिया करिए। चलिए बताइए मुझे। हाँ चलिए मुझे ये बताइए, और आज आपने कितने घंटे पढ़ाई की आज? आज आपने मैं सवेरे 11 बजे से स्टार्ट किया था, तो मेरी इफेक्टिव हुई है, मैं अभी कंटिन्यू में जो अभी स्टडी टेबल पे बैठा हूँ आपको कॉल किया। अच्छा इफेक्टिव तो, सर 5-4 घंटे हुई है शाम में इफेक्टिव। अच्छा पूरे दिन, ठीक है ना, अभी अभी आपने तो पढ़ना शुरू किया वरना तो अभी थोड़ा सा कमी जो है वो इफेक्टिव निकलेगा, अभी धीरे धीरे करके ना जो इफेक्टिव आवर है जिसमें एक्चुअली आप बोलोगे कि हाँ मेरी पढ़ाई हुई है वो धीरे धीरे करके निकलेगा वो। अरे सब ठीक हो जाएगा, अरे समझ में, एक बार शुरुआत तो हो ना सही तरह से, पहले मैं आपको एक सही ट्रैक पे लेके आऊंगा, ठीक है? तो चलिए एक क्वेश्चन बताइए कि आप हैं और आपका फ्रेंड है मान लीजिए, ठीक है, उसने सीए कर रहे हैं ये, तो उसमें जो है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ है पेपर है, तो उसके अंदर ना एक सेक्शन 3 है कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी 2013, ठीक है, और इसमें सेक्शन 3 में लिखा हुआ है ना कि अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाई, ठीक है ना, मे भी लिखा हुआ है, अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड मे, तो फिर आप और आपका फ्रेंड जो है ना ये जो है ये इनको दिक्कत हो रही है ना कि जो मे है ना उसको हम एज ए डायरेक्टली ले या फिर उसको हम एज ए मैंडेटरी की तरह ट्रीट करें, चलिए बताइए। मैंडेटरी लेना पड़ेगा सर उसको, एक्चुअल में कंपनी सिर्फ लीगल फॉर्म के लिए ही अप्लाई होता है, ऐसा रहे तो कंपनी इलीगल फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं करती। नहीं आप पहले सोचिए फिर बताइए मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी जल्दी क्या है सर, कंपनी सिर्फ लीगली लीगल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट हो सकती है, इलीगल पर्पस के लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती, जैसे कंपनी का एक सेक्शन है कर सकते, आपने ठीक बोला कि कभी कभी मे को जो है ना सेल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ रहे हो ना वो कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, कंटेक्स्ट पे, ठीक है, तो फिर यहाँ क्या जो कंटेक्स्ट है ना सेक्शन 3, तो फिर उसमें लिखा हुआ है कि जो सेक्शन 3
थ्री का जो वर्डिंग है ना उससे ऐसा लग रहा है ना कि इसमें जो कंपनी है वो लॉफुल पर्पस के लिए ही बन सकती है, ठीक है, अनलॉफुल पर्पस के लिए तो कभी नहीं बन सकती वो, आ गया समझ में? तो फिर इसका मतलब, या मे का मतलब क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल इसीलिए यहाँ पे अगर लिखा ना मे, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है ना पढ़ के कि कंपनी जो है अगर अनलॉफुल पर्पस के लिए बने तो फिर वो भी आपकी जो है ना आपकी बन सकती है, अरे समझ में? तो आपका ऐसा पढ़ के लग रहा है ना, सेल, हाँ सेल करना पड़ेगा, इसका मतलब वो कंपनी जो है मैंडेटरी जो है ना वो जो है वो जो है लीगल पर्पस के लिए ही बन सकती है, अपने लॉफुल पर्पस के लिए, इसलिए जो मे का मतलब यहाँ पे जो है ना वो आपका सेल होगा, ठीक है। लॉफुल पर्पस के लिए तो बस वो, अगर लॉफुल पर्पस फिर तो वहां पे सेल लगेगा ना, क्योंकि आपका जो जो वर्डिंग है लॉ की, आपका ये वर्डिंग ही कह रहा है ना कि यहाँ पे मे को सेल पढ़ने के लिए, क्योंकि अनलॉफुल पर्पस के लिए तो बन नहीं सकती ना वो, तो फिर इसका मतलब जो है मे है उसको सेल पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ये आपने ठीक बोला, मैं और पूछ लेता हूँ आपसे, कॉन्सेप्ट आपके ठीक है ना, कॉन्सेप्ट मुझे सही लग रहे हैं आपके, थोड़ा सा और आप प्रैक्टिस करोगे ना, चलिए बताइए मुझे कि बताइए कि एक एज पर कंपनी एक्ट जो है ना उसमें ये लिखा हुआ है कि जो डिविडेंड अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो रिमेंड अनपेड या फिर अनक्लेम्ड जो होगा ना ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शैल बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है, विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सच 30 डेज, ऐसा है ना आपका प्रोविजन लिखा हुआ है ना एज पर कंपनी एक्ट, कि पहले आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है पहले, ठीक है ना, डिक्लेरेशन के 3 दिन अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका जो है मान लीजिए कोई आपका डिविडेंड जो है 30 दिन के बाद भी अनक्लेम्ड या फिर अनपेड रहा, तो फिर उसको 30 दिन के एक्सपायरी के बाद ना, हाँ 7 डेज के अंदर जो है आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो है ना उसके अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो जो आपका 30 डेज है ना वो आपका एक्सपायर हो रहा है 30/10/2022 को, हाँ ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि इसका लास्ट डेट क्या होगा इसका, हाँ 30 डेज जो है, हाँ 30 डेज जो है वो एक्सपायर हो रहा है 30/10/2022 को, तो आप मुझे ये लास्ट डेट बताइए जब तक हमें ट्रांसफर कर देना है अमाउंट को एज पर द जनरल प्रोजेक्ट, हाँ 7 डेज के अंदर, ठीक है ना, मतलब आप जैसे अब 30 दिन खत्म होगा, 30 दिन ना, तो 30 दिन खत्म होगा तो फिर आपके पास जो भी अनपेड आपका अनपेड अमाउंट जो भी है, ठीक है, अनपेड या फिर अनक्लेम्ड आप पे नहीं कर पाए मान लीजिए, या फिर किसी ने क्लेम नहीं किया, तो फिर इस वाले अमाउंट को ट्रांसफर करना होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है, और वो जो आपको आप ट्रांसफर करोगे विद इन 7 डेज के अंदर करना है, तो आप मुझे बताइए कि अगर 30 दिन खत्म हो रहे हैं, अगर जो 30 डेज ये खत्म हो रहा है 30/10/2022 को, तो आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी, वो कौन सी लास्ट डेट है जिस पे आपको सेपरेट जो बैंक अकाउंट है डिविडेंड अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देना है आपको, वो लास्ट डेट बताइए मुझे। अगर 31 कर रहे हैं तो मैं ना वो 11 को उड़ा के अंदर जाएगा, अगर 31 का नहीं रहा तो 7/11/2020 को उड़ा के अंदर जाएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर जाएगा। अब 7 तारीख बोल रहे हैं, मतलब 7 नवंबर बोल रहे हो, नहीं आप स्टार्ट कहां से करोगे,
दिन होने के बाद से स्टार्ट करना पड़ेगा पहले। हाँ, हाँ, तो वही तो है ना, तो फिर आप स्टार्ट कब से करोगे बताओ मुझे। आपने कौन सी डेट लिया है? 30-10 लिया है ना? हाँ 30-10-2022। हाँ, इनकेस अगर वो 31st का रहता है नहीं, तो वो 31st एक इंक्लूड होगा। इन केस क्या होता है, वो 31 का महीना ही होता है, वो 31 का वन डे इंक्लूड होगा ना सर? हाँ तो हाँ इंक्लूड होगा, तो बताओ ना। 6/11 को ट्रांसफर होगा ओला के अंदर, ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर, ठीक है ना, सही है, ठीक है। तो लास्ट डेट जो होगा ना, लास्ट डेट आपका वो होगा 6 नवंबर 2022, ठीक है, ये ठीक है आपका। चलिए मुझे ये बताइए कि टिम्बर, टिम्बर जो है, टिम्बर टिम्बर क्या आपका माना जाएगा ये इमोबाइल प्रॉपर्टी एज पर जनरल क्लॉज एक्ट? मोबाइल प्रॉपर्टी है या इमोबाइल प्रॉपर्टी? हाँ बताइए। ये टिम्बर टिम्बर तो अटैच टू अर्थ होता है। टिम्बर अगर अटैच टू अर्थ रहे तो सर ये टिम्बर कैसे अटैच टू अर्थ होता है यार? अगर टिम्बर, अगर कोई आपका पेड़ है ना, वो अगर अटैच टू अर्थ है तो उसको टिम्बर नहीं बोलते, उसको ट्री बोलते हैं, ट्री ट्री। ओके, टिम्बर का मतलब होता है आपने काट लिया है, उसको काट दिया, इमोवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों सर? क्योंकि वो अटैच टू अर्थ नहीं है ना, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। हाँ सही है। तो इसकी क्या डेफिनेशन, इसकी क्या डेफिनेशन है इमोबाइल प्रॉपर्टी की, क्या डेफिनेशन है एज पर जनरल क्लॉज एक्ट? एज पर जनरल क्लॉज एक्ट अटैच टू अर्थ, मूवेबल या इमोवेबल सर? देखो वहां पे इमोबाइल प्रॉपर्टी लिखा हुआ, मूवेबल की डेफिनेशन नहीं है वहां पे। अभी मैं मूवेबल प्रॉपर्टी डेफिनेशन पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इमोबाइल प्रॉपर्टी क्या डेफिनेशन है। इमोबाइल प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आता है एग्जाम में ये। लैंड, ठीक है, इमोबाइल प्रॉपर्टी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक टिम्बर है, ठीक है, तो फिर वो आपका क्या है, मतलब ये इमोबाइल प्रॉपर्टी है कि नहीं है? ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। देखो आप समझे नहीं, देखो आपको मैंने क्या बोला, मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने पूछा है आपसे, बताइए। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो इसमें मैंने एक ही वर्ड बोला हुआ है, आपको बोला है मैंने कि टिम्बर आपकी इमोबाइल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो मैंने मोबाइल तो मैंने पूछा ही नहीं, तो फिर आपका जवाब क्या आएगा कि टिम्बर जो है आपका क्या है वो नहीं है। बस आप ही बोलो ना कि आपका वो इमोबाइल प्रॉपर्टी नहीं है, आप ये बोलो ना, आप ये क्यों बोलते हो कि मोबाइल है ये, ठीक है, अब आ रहा समझ में? कि वो एक अलग बात है कि मोबाइल ही मानी जाएगी, लेकिन मोबाइल तो कोई ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं पूछा ना मोबाइल है कि नहीं है, ठीक है, मैंने क्या पूछा कि ये जो टिम्बर है ये आपकी इमोबाइल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो आप बोल दो, साफ बोल दो कि नहीं है, बात खत्म। अब इसका और एक जो वे है कि भैया कि हाँ इमोबाइल प्रॉपर्टी है, ये तो मैंने पूछा भी नहीं, अभी जाहिर सी बात है वो तो आप इमोबाइल प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी, लेकिन जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन ये था कि क्या ये इमोबाइल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो आप भी इसी तरह से ही जवाब दोगे, नहीं है, बात खत्म, नहीं है, ठीक है। और जो आपका इमोबाइल प्रॉपर्टी था उसकी डेफिनेशन क्या है कि आपका इमोबाइल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, हाँ, और परमानेंटली फास्टन्ड टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, ये right.
तो ये अटैच टू अर्थ है, ये अटैच, ये आपकी जो ना टिम्बर अटैच टू अर्थ नहीं है, से ट्री है, तो ट्री अटैच टू अर्थ है, लैंड है तो फिर ये अटैच टू अर्थ है, वो तो आपकी है ही, आपकी लैंड तो साफ लिखा हुआ है कि वो आपकी यूअर प्रॉपर्टी मानी जाएगी एज पर जनरल लॉज एक्ट। तो अब फिर अब उसमें तो कोई है ही नहीं कोई क्वेश्चन मार्क, इसमें है कि अगर ट्री है तो फिर वो आपके क्या है यूअर प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये क्या है कोई ऐसा थिंग्स जो कि आपके अटैच में अर्थ, जो अर्थ है उसका क्या है अटैच है, तो ये थर्ड केस में आ गया, थर्ड जो केस है रोमन वाला, वो वाला केस में आ गया, तो ठीक है आ गया समझ में। अब उसको अदर वे में नहीं बोलना, उसको अदर वे में मतलब होता है उसका वही होता है, लेकिन अदर वे में तो मैंने पूछा नहीं है ना, सवाल जिस तरह से पूछा उसी तरह से जवाब देना है आपको, टू द पॉइंट, ठीक है। चलिए ये तो मैंने पूछ लिया, ठीक है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट ठीक है आपका, ठीक है ना, इसमें से जो मैंने पूछा आपसे, आपने बहुत सारा जवाब दिया है आपने, थोड़ा सा वो पूछ लेते हैं थोड़ा सा जो है ना, काउंस आपने जो है, तो आपने पेपर दिया आपने इस बार, तो कैसा गया मतलब क्या चांस क्या लग रहा है आपको है? क्यों तो पेपर आपने चेक किया है क्या, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो जब जो है आपने आपने जब पेपर चेक नहीं किया तो फिर आपको क्या मालूम कि चांस है कि नहीं है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है सर। नहीं आपने पेपर दिया है तो लेट द आईसीआई टू डिसाइड ना, चेक चेक वो कर रही है उसको, अगर आपको सही लगेगा कि नहीं ये पास होने वाले हैं तो आपको पास कर ही देंगे वो, आप थोड़ी मना कर दोगे बाद में नहीं तो मैं तो फेल था फिर अपने पास कैसे कर दिया मुझे। देखो आप सही बोल रहे हो, देखो क्या है ना कि आप ठीक बोल रहे हो, वो लग जाता है कि पास होंगे नहीं होंगे, ठीक है थोड़ा एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन फिर भी हमें क्या पॉजिटिव रहना चाहिए ना, अब बच्चा खुद ही बोल रहा है भाई कि जो है ना मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो फिर वो चीज गलत है ना सर। पॉजिटिव कब रहता है इंसान जब उसके 100% एफर्ट लग जाते हैं, उसका लग जाता है कि नहीं यार अब तो रिजल्ट आना है, पॉजिटिव रिजल्ट आना, तब वो पॉजिटिव रहता है, अपना तो 100% लगा ही नहीं। अच्छा कोई नहीं, चलिए मुझे बताइए कि डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर ये जो है कहाँ जाएगा, प्री या पोस्ट में कहाँ जाएगा बताइए, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी पोस्ट सर। पोस्ट सही है। बैड डेट, बैड डेट जो है किस रेशियो में बांटेंगे, सेल सर। एडवर्टाइजिंग, सेल। एडवर्टाइजिंग सेल्स में सर मॉडल के अंदर दो है, इसके अंदर टाइम रेशियो भी लिया हुआ है और सेल भी लिया हुआ है, टाइम रेशियो ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना ये जो है टाइम रेशियो हम बाद में लेंगे, जो है सेल्स रेशियो हम बाद में लेंगे अगर टाइम रेशियो ना दिया, लेकिन टाइम रेशियो पहले इसका जो है ना ले लेंगे। चलिए बताइए ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट तो सेल में डिवाइड होगा सर, सेल रेशियो। अगर मान लीजिए सेल रेशियो जो है अगर जो नहीं निकल पा रहा, तो सेल रेशियो अगर नहीं निकल पा रहा तो सेकंड प्रेफरेंस किसका दोगे यार, सेल रेशियो अगर नहीं निकल पा रहा तो इक्वली तो डिवाइड नहीं कर पाए सर, ठीक है। देखो अगर सबसे पहला प्रेफरेंस हम देंगे उसको सेल्स रेशियो को, ठीक है ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर, जो भी रिस्पेक्टिव पीरियड उसके हिसाब से बांट देंगे, तो ये पहला प्रेफरेंस है। अगर मान लीजिए सेल्स रेशियो ना निकल पा रहा हो तो फिर उस केस में हम किस पे जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे जाएंगे है ना, अगर मान लीजिए टर्नओवर कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। और फिर थर्ड केस क्या होगा, अगर मान लीजिए
थर्ड प्रेफरेंस किसको दोगे? मान लो कि आपको जो है इसकी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, सेल्स रेशियो की भी नहीं दी हुई है और कॉस्ट ऑफ जो है ना गुड सोल्ड की भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर थर्ड में किस पे जाएंगे फिर? कॉस्ट, अगर टर्नओवर भी नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं दिया हुआ है, थर्ड तो फिर थर्ड किस पे जाओगे आप? थर्ड प्रेफरेंस प्रेफरेंस डेटर के हिसाब से हो जाएगा सर। नहीं, डेटर नहीं, डेटर नहीं, डेटर नहीं, तो सारा अगर आप कैश सेल है तो फिर डेटर में कहाँ से पहुंच जाएगा? कैश में सारा काम करते हैं, मतलब तो उसने कह दिया कैश में काम हम करते हैं मान लीजिए, अब बट उसने अब फिगर क्या है वो नहीं आपको बताया नहीं, उसने बस बोला कि कैश में काम करते हैं, तो फिर तो डेटर तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है? तो थर्ड प्रेफरेंस जो है वो है टाइम रेशियो। लास्ट वन पिछले से टाइम रेशियो को डिवाइड करता हूँ। ओके ठीक ठीक है ना? सर, बोलिए। चलिए मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन द परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर, ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर, टाइम रेशो सर, नहीं टाइम रेशियो ऐसे नहीं होगा, इंटरेस्ट कौन से पीरियड से लेकर कौन से पीरियड तक का जो है ना? अगर सर वो प्री इनकॉर्पोरेशन के पीरियड के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर वो प्री के पहले का है तो कौन सीधा से डेट? पोस्ट के अंदर चले, हाँ अगर पोस्ट के पहले का आया तो दोनों के अंदर डिवाइड हो जाएगा टाइम रेशियो के हिसाब से। नहीं, एक्विजिशन ऑफ देखिए हमने बिजनेस एक्वायर तो कर लिया ठीक यस है, सर, लेकिन हमने जो है इनकॉर्पोरेट जो है ना हमने बाद में कराया मान लीजिए, तो फिर ओके। तो जिस दिन से बिजनेस को एक्वायर कर लिया है उस दिन से पकड़ा जाएगा, आपकी वहां से लेकर कब तक? वहां से लेकर जिस दिन बिजनेस सेटअप होगा वहां तक, सेटअप यानी फॉर नहीं, एग्जाम्पल डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक। इनकॉर्पोरेशन देखो यहां पे ना, इनकॉर्पोरेशन की डेट इंपॉर्टेंट है ठीक है, तो फिर आपकी जो है डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस से लेकर डेट ऑफ डेट ऑफ जो, इनकॉर्पोरेशन, हाँ तो फिर वहां जाएगा प्री में ठीक है, और फिर उसके यस बाद का जो है ना आपका जो भी इंटरेस्ट है वो जाएगा आपका पोस्ट में, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ठीक है। अब बताइए मान लीजिए कि एज पर कंपनीज एक्ट जो है ना आपको ऑडिट करना होता है ना, यस सर, तो फिर वो ऑडिट हुआ है मान लीजिए कंपनी, तो कंपनी का ऑडिट आपके आप कह सकते हो स्टैचुरी ऑडिट हुआ है कंपनी का, तो यस फिर सर, उस केस में वो कैसे, और आपने ऑडिट हुआ है आपकी स्टैचुरी फीस आपने पेमेंट की है ऑडिट फीस, तो फिर वो जो है वो कहाँ जाएगा? ये पोस्ट में जाएगा सर। आ गया समझ में? और अगर मान लीजिए कि टैक्स ऑडिट हुआ है, अगर टैक्स अगर आपने टैक्स ऑडिट करवाया और उसकी अपने हैं, हाँ ठीक है सेल रेशो सर, सही है, टर्नओवर रेशियो ठीक है ना, जो एडवर्टाइजमेंट है ना ठीक है ना, वो पहला प्रेफरेंस को सेल रेशियो में देंगे ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में सेल्स रेशियो के बारे में, तो फिर उस केस में टाइम रेशियो में बांट देंगे चलेगा सर। है ना, पहला प्रेफरेंस हम सेल्स रेशियो को देंगे। चलिए ये बताइए ब्रोकरेज, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज सेल रेशो, ठीक है ना, क्योंकि देखिए बस यही है कि ऐसा वो सारे खर्चे जो कि वेरिएबल है ठीक है, और वो टर्नओवर से लिंक है, क्योंकि आप देखो ना ओके सर, ब्रोकरेज कब दोगे किसी को, मान लो कमीशन दोगे तो कमीशन तो हाँ सेल के बेस पे दोगे ना, हाँ तो राइट फिर इसका मतलब वो आप टर्नओवर से लिंक है वो, तो फिर और ये वेरिएबल है कि जितना सेल्स करेगा उतना आपका जो है वो जो है ब्रोकरेज देना पड़ेगा उसको हमें, तो फिर वो सेल्स रेशियो में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई फिक्स है, फिक्स चार्जेज है, जैसे आपका आपकी रेंट है या फिर मान लो टेलीफोन एक्सपेंसेस है, पोस्टेज है, या फिर डेप्रिसिएशन भी है वो एक तरह से फिक्स होता है, प्लस सैलरी है, सैलरी तो फिक्स ही होती है, तो
तो फिर उस केस में ये किस रेशो में आपका आपका बटेगा? क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना सर। नहीं, आपको मैं बोल रहा हूँ कि सैलरी, जैसे सैलरी है वो कौन से रेशो में बटेगा? हाँ, टाइम रेशो, ठीक है ना। तो जो भी फिक्स्ड कॉमन चार्जेज हैं, फिक्स्ड हैं जो, वो हमेशा टाइम रेशियो में ही बढ़ते हैं। अंडररैटिंग कमीशन, अंडररैटिंग कमीशन, पोस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, पोस्ट, डायरेक्टर्स फीस, पोस्ट, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, पोस्ट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी, हिसाब से डिवाइड होगा सर। टाइम क्यों? सिक्योरिटी जो है, क्रेडिट शेयर्स है, कौन इशू करती है? कंपनी इशू करती है। तो ये कहाँ जाएगा? ये डिस्काउंट, सर ये पोस्ट में जाएगा। पोस्ट में जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए मुझे, प्रेमली एक्सपेंसेस, प्रीलिम भी एक्सेल पे टाइम रेशियो के हिसाब से डिवाइड होगा टाइम सर। रेशियो क्यों? प्रीलिम में है ना सर, वेरी हाँ, तो स्टार्टिंग वाले खर्चे सर, हैं। सेल चेंज होते रहते हैं ना सर एक्सपेंसेस। नहीं, ये उसमें जाएगा, ठीक है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, है ना, प्रीलिम शुरू वाले खर्चे होते हैं ना। चलिए, ये तो ठीक है, ठीक है ना। बाकी इसके आपने सवाल नहीं किए हैं अभी तक? क्वेश्चन तो सिर्फ मॉडल के क्वेश्चन देखना है सर, अगर कुछ उसके अंदर डाउट रहता है तो मैं तुम्हारे को व्हाट्सएप पर मैसेज करता हूँ। अब मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, तो हम डिस्कस सर करेंगे आपके डाउट को। तो मैं क्या सर, मेरा ही परफॉर्मेंस देखने के बाद नहीं, आपको क्या सही लगा लगता है। तो मैंने जो है आपके सामने मैंने सवाल किया ना, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ हवा में है। आपके सामने सवाल किया और आपने मुकम्मल आपने जवाब दिया है उसका, ठीक है, और जवाब भी मुझे सही मिला हुआ है, ठीक है। अब मैक्सिमम केस में जो है सही मिला है जवाब मुझे, तो और जब हम सवाल करेंगे तो और ज़्यादा आप क्लैरिटी बढ़ेगी हमारी, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो मॉड्यूल के सवाल है ना पहले, उसको सारा जो है ना एक बार सारे देख लीजिए और उसको बना भी लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ लगता है सवाल तो जो बनाने लायक है, तो उसको हाथ से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको जब टेस्ट होगा तो फिर तो मैं बताऊंगा ही आपको कि उसमें प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है। अभी जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं अभी जो है ना ध्यान दे रहा हूँ। चलेगा सर, पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में ठीक करा दूँ आपका, फिर उसी कॉन्सेप्ट को ना फिर जो है उसको प्रेजेंट कैसे करना है, वो एक अलग जो है अलग मुद्दा है, वो चलेगा हम बताएंगे उसको कि कैसे करना है चीज़ों को। पहले तो जो है कॉन्सेप्ट तो क्लैरिटी हो पहले, लेकिन वो मैं ठीक कराऊंगा। तो कल जो का है टारगेट सर। कल का टारगेट आप इसको ले लीजिए, जो है बोनस इशू एंड राइट इशू। इसमें अच्छा सा डाउट है, बोनस इसमें तो इशू और राइट इशू में। पूछ ठीक है लेना ना करता उससे, पूछो हूँ। ना, अगर डाउट है तो फिर उसको करना है, छोड़ना थोड़ी है, चलेगा चलेगा, कोई मैटर नहीं। ठीक है। छोटे कौन छोटे से चैप्टर हम का? पहले करेंगे, और लॉ कौन वाले में जो है आपने पढ़ा है एनआई एक्ट, निगोशिएबल राइट हाँ, सर पढ़ा है। तो फिर उसको कर दीजिए। ठीक है पहले सर, जो है अदर लॉ जो है ना आपका, उसको कंप्लीट निगोशिएबल करेंगे। इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसको पहले खत्म करेंगे। अदर लॉ खत्म करेंगे फिर हम जाएंगे कंपनीज एक्ट पे, चलेगा सर। क्योंकि बाद में आपने ये ऐसा छूट बोलते जाता हुए है, था क्योंकि अगर हम कंपनीज एक्ट पे बार बार पढ़ते रहे ना तो फिर अदर लॉ छूट जाता है, हमारा स्किप हो चलेगा जाता सर। है। मैं मुझे इतना करना है,
देखो क्या है ना, एज पर हमें आज तो यही चलना है। देखो क्या है कि आपको जो मॉड्यूल है उसको तो हमें करना ही करना है, आगे यस समझ सर, में। आपने मॉड्यूल कर लिया इसका मतलब जो है पास होने की तरह से गारंटी हो गई, बाकी आप सब कुछ छोड़ दीजिए। आप पहले मॉड्यूल को कवर करना है, ठीक है। बाकी आप जो है शेड्यूल आपको मुझे बनाना, शेड्यूल बनाना है मुझे ना कि आप कब से कब हाँ आप सर शेड्यूल पढ़ाई बनाना है। करोगे। तो आज जो है आज मुझे आप मुझे आप मुझे आप मुझे भेज दीजिए ना कि कब से कब आप जो है पढ़ाई करते हैं, कब आपका जो है कुछ आपके जो है मान लो घर के कुछ काम होंगे, हाउस होल्ड आपके जो ना स्टेप्स होंगे आपके होंगे, तो आपको वो भी करना होता होगा। तो फिर वो सारा मुझे लिख के सर भेजिए ना कि ऑलरेडी ऐसा कुछ घर पे कुछ काम वगैरह रहता नहीं है, इनकेस अगर मेहमान वो आते हैं तो अपन घर के फैमिली के बड़े हैं तो अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन वैसा कुछ काम नहीं है अभी तो फिलहाल में, और कुछ रहता भी नहीं सिंसियर में, नहीं ऑलमोस्ट सारे आइटम घर पे रहते हैं, नहीं उसका वैसे बता दिक्कत रहा हूँ। होता है। देखो क्या है ना कि मुझे पता नहीं ना, आपका मान लो कुछ ऐसे काम है जो आपको पर डे करने होते हैं, या फिर अगर नहीं आपकी सर ऐसा जरूरी कुछ है काम नहीं तो है। फिर, अगर काम नहीं है तो फिर मुझे ना आप मुझे कब से कब पढ़ाई करते हो मुझे ये बता दो। मुझे जो है ना आप कब उठते हो, कब सोते हो, कब जो है आपका फ्री टाइम होता है, आपका कब जो है कहीं ना कहीं जो है ना मान लो कुछ काम होता है, कहीं कुछ बाहर भी जाना नहीं है होता सर, है, सारे चीजें तो फिर छोड़ चौबीस दिया घंटे हूँ। थोड़ी पढ़ोगे यार। संडे को हमारे तरफ का मार्केट बाजार हाँ तो रहता है ठीक है, तो तो फिर थोड़ा मैं सा भी आपको चेक फिर कर भेज दूँ मैं लूंगा बना के खुद से। सर। चलेगा सर, मैं फॉलो करने की पूरी कोशिश तो अभी करूंगा। कितने घंटे अभी आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं अभी? सर आप डाल दो सर, फिर ये कर लो बोलना, उसके लिए रेडी हो जाऊंगा मैं, मैटर तो ठीक, नहीं करता। अरे ऐसा नहीं होता ना, मैं भी एक इंसान की तरह ही दूंगा और इंसान की तरह ही फॉलो करवाऊंगा ना। थोड़ी मैं 24 घंटे बोल दूँ 24 घंटे पढ़ाई करते रहो। हाँ तो वही है ना कि और आपके ऐसा भी नहीं है कि एकदम से बोल दूँ 18 घंटे पढ़ाई करो, कोई फायदा नहीं होगा उसका, आप पढ़ ही नहीं पाओगे फिर। अभी आपका स्टार्ट हो रहा है तो कम से कम जो है 8-10 घंटे आप जो है ना 10 घंटे भी पढ़ाई कर लेंगे ना तो फिर वो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे 10, 11, 12, 13, जैसे जैसे आपका एग्जाम करीब आएगा, फिर 14 भी करेंगे, फिर 15 घंटे भी करेंगे इस तरह से। लेकिन अभी है कि 8-10 घंटे के बीच में आप जो है पढ़ाई करिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं जो है ना आपको व्हाट्सअप करता हूँ कि, ठीक है, चलेगा मैं आपको शेड्यूल जो है मैं भेज देता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो ये जो है मुझे चलेगा कल करके मुझे बताइए शाम में, ठीक है ना, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलेगा सर, हाँ थैंक यू। चलो ठीक है, तो फिर ऐसे हमारा होता है मेंटरिंग प्लस मॉक टेस्ट। तो ये आपके सीएनटर के स्टूडेंट थे तो उनको मैंने टारगेट मैंने दिया था, जो है अभी मैंने नेक्स्ट टारगेट मैंने उनको दे दिया हुआ है। तो कल मैं फिर शाम में फिर बैठ के फिर आपका इनसे जो है सवाल जवाब करूँगा, फिर गाइड करूँगा इनको, और शेड्यूल भी मैं उनको बना के भेज दूंगा अभी कि किस टाइम पे क्या पढ़ाई करनी है। तो मैंने आपको शो किया है कैसे हमारा होता है, और ऐसी अगर ये तो आपका जो है ऑनलाइन है, लेकिन अगर जो है फिजिकल होगा तो फिर स्टूडेंट मेरे सामने मेरे ऑफिस में आएगा, सामने बैठेगा, और सामने जैसे मैं अभी जो है फ़ोन पे पूछ रहा हूँ या फिर जूम मीटिंग पे भी होता है हमारा, अगर दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट हैं तो फिर, अगर दिल्ली के बाहर स्टूडेंट तो फिर उस केस में जो है ना जो है वो जूम मीटिंग के थ्रू और जो कॉल के थ्रू होगा, लेकिन अगर दिल्ली के स्टूडेंट हैं आसपास के तो फिर यहीं पे आते हैं। और टेस्ट भी हमारा होता है, तो एक मैंने कॉपी चेक भी किया, मैं आपको दिखा भी दूंगा, और आज कुछ दिन पहले मैंने एक कॉपी चेक जो है लाइव मैंने किया भी था, तो जो अभी मैं उससे डिस्कस करने वाला हूँ कि उन्होंने कौन कौन सी गलतियाँ की है जो उन्होंने टेस्ट दिया था फुल टेस्ट। तो फिर जैसे इस वाले केस में भी टेस्ट होगा बाद में जाके आपके धीरे धीरे करके, तो फिर ऐसे ही होता है हमारा, और पास होने की गारंटी है। तो अगर फाइनल है तो फिर फाइनल में भी ऐसे ही होता है हमारा, ऐसे हम सवाल करते हैं और टारगेट देते हैं, सवाल करते हैं, फिर जो है क्या सजेशन है हम वो बताते हैं, कहीं अगर अब प्रॉब्लम है तो डिस्कस करते हैं फ़ोन पे, या फिर जो है अगर ऑफिस आ रहे हैं तो फिर ऑफिस में डिस्कस करते हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम है। और मैं एग्जामिनर चेक और ऑब्जर्वर में रह चुका हूँ तो फिर जो है कोई दिक्कत ही नहीं है, पास होने की तो गारंटी है ही, एक सही मैं आपको गाइड करूँगा इस तरह से। तो ये है, तो अगर आपको लेना हो हमारा मेंटिंग प्लस मॉक टेस्ट तो मुझे कॉल
कर लीजिएगा, मैं आपको नंबर बताया तो 8810510145, और मैं हूँ सी अरविंद कुमार, और बात करते हैं आपसे, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए, ठीक है।